हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं और अपने अपने विशेष को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इसी में क्रिसमस आ चुका है। क्रिसमस को आप सभी को पता है कि सबकी विशेष मैनिफेस्ट होती हैं और इसमें अगर आप कोई टेक्निक फॉलो कर लें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही ईजी टेक्निक बताने वाली हूँ जो आपको करना है क्रिसमस डे से एक दिन पहले, और आप देखेंगे कि आपके विश क्रिसमस को पूरी हो चुकी है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप के देखिए गाइस। बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, कमाल की टेक्निक है और आपकी एक नहीं जितनी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी सिर्फ इस टेक्निक को करने से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी के साथ ये टेक्निक शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी ने बचपन से सुना होगा कि क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज आते हैं, हमारी विश को मैनिफेस्ट करते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं एंड बहुत कुछ। ये बातें कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि उस दिन पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई रहती है, इसलिए उस दिन हमारी विश को इंस्टेंट पूरी करती हैं। चलिए आपको क्या करना है पहले ये जान लीजिए, उसके बाद आपकी विश को मैनिफेस्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस क्रिसमस को आपको लाना है सॉक्स। जी हाँ, ये विश सॉक्स है जिसमें आप अपनी विश को लिख के डालेंगे। तो एक नया सॉक्स लाना है आपको, और अगर आपके पास पहले से न्यू सॉक्स है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ध्यान रहे सॉक्स सिर्फ एक चाहिए, दोनों पैरों का नहीं चाहिए, एक ही से आपको करना है। तो आपने सॉक्स लिया और फिर लेना है आपको रेड कलर का पेन या फिर स्केच पेन आप ले सकते हो। वाइट कलर का एक पेपर लेना है जिसके ऊपर आप अपने विश को प्रेजेंट्स में लिखेंगे। जैसे आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप लिखोगे कि मेरी शादी इस पर्सन से हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से पैसे के लिए आप कुछ कर रहे हो, ग्रोथ चाहिए उसके लिए, आप घर लेना चाहते हो उसके लिए, आप अपनी हेल्थ सही करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, ब्यूटी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो उसे आप प्रेजेंट्स में लिखेंगे। आप लोग बहुत बार पूछते हैं कैसी अफर्मेशन बनानी है, छोटी से छोटी अफर्मेशन होनी चाहिए और प्रेजेंट्स में होनी चाहिए, जैसे कि वो चीज़ें आपको मिल गई है। अगर बहुत सारे पैसे चाहिए तो आप लिखेंगे कि मुझे इतने सारे जितने अमाउंट में चाहिए उतने पैसे मिल गए हैं। अब यहाँ एक इच्छा आपको नहीं लिखनी है, यहाँ जितनी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं आपको लिख देनी है इस पेपर पर। लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स या फिर थैंक यू सेंटा, क्योंकि क्रिसमस डे है इसलिए आप सेंटा लिख सकते हैं। उस दिन सेंटा क्लॉज हमारी विशेस को इंस्टेंट मैनिफेस्ट करते हैं। इतना करने के बाद आपको ये सॉक्स, अगर आप क्रिसमस मना रहे हो और आपने अपने घर में ट्री बनाया है तो आप उसके ऊपर इसे लटका दोगे, और अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोग क्रिसमस नहीं मनाते तो आप क्या करेंगे, आपके घर के पास, आपकी गली में या फिर आपके गार्डन में, आप जहाँ भी पेड़ पौधे लगाए हों वहाँ पे जो सबसे बड़ा पेड़ है, जो सबसे खूबसूरत लगता है आपको, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, होता है ना, किसी किसी पौधे से किसी किसी पेड़ से हम ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ज़्यादा सुंदर लगता है, तो उस पेड़ के ऊपर अपने इस सॉक्स को आप लटका देंगे इस इंटेंशन के साथ कि आपकी ये सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं। अपने फैमिली मेम्बर को बोलिए सभी लोग इस टेक्निक को करें और आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अमेजिंग आता है। एक ही सॉक्स के अंदर फैमिली के अलग अलग लोग अपनी विश नहीं डालेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक इंसान एक सॉक्स और अपनी सारी विशेस उसी के अंदर लेके डालनी है। इसे लटकाने के बाद आपको 24 दिसंबर को पूरी रात छोड़नी है, शाम को ही ये करना है। 25 दिसंबर को भी पूरी रात इसे वहीं पे छोड़नी है। 26 दिसंबर को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, आप उस सॉक्स को उतारेंगे उस पेड़ से और उसमें जो भी विशेस आपने लिख के डाली थी उसे आप निकाल के डिस्पोज कर देंगे। चाहे तो आप जला सकते हैं, चाहे आप फाड़ के और कहीं ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं, अब आप उसका जो कर सकते हैं कर दीजिए, बस उसे डिस्पोज करना है। आप चाहे तो रख भी सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिस्पोज करना ही करना है, आप चाहे तो उसे रख सकते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां लोग देखें ना, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं रखना तो रखिए, बट किसी को दिखाना नहीं है इसलिए मैंने डिस्पोज करने के लिए कहा।
अब यहाँ पर आपकी ये टेक्निक होती है डन और आपकी विश होगी मैनिफेस्ट। करके देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि 24 दिसंबर तक सभी लोग अपने विश को मैनिफेस्ट करने के लिए इस टेक्निक को कर पाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह के वीडियो आप और चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222 वहाँ फॉलो करके, और आप अपना फेवरेट टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पर मिलते हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की वीडियो, एंजल नंबर मीनिंग, बटरफ्लाई मीनिंग, फेदर मीनिंग एंड बहुत सारे पावरफुल मंत्रों की चैंटिंग, मेडिटेशन, रिचुअल, स्विच वर्क, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जाके चेकआउट कीजिएगा और जिस वीडियो से ज़्यादा कनेक्टेड फील हो उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय।